नियमितीकरण की आपने बात कही है कि घोषणा पत्र में वादा था, लेकिन मौजूद इस कब तक नियमितीकरण नहीं किया गया है जो अनियमित कर्मचारी? इनकी घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं को देखोगे आप, बारीकी से अध्ययन करोगे तो 36 में से 19 बिंदुओं पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसमें ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं, इनके लिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि अब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया, अभी भी अवसर है इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करें, नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और हमने कहा भी है आने वाले समय में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।